हेलो। हेलो, ये जी हाँ, मैं बोल मैं रही हूँ। जो है ये पासपोर्ट ऑफिस से, कानपुर का जो पासपोर्ट ऑफिस है, यहाँ से मिस्टर शर्मा बोल रहा था। अच्छा, हाँ तो जो बोलिए। है ये आपने पासपोर्ट के लिए जो अप्लाई किया था ना, हाँ तो जरा इसके बारे में थोड़ा सा रीवेरिफिकेशन करना था। एक बार आपका वेरिफिकेशन वैसे हो चुका है, पता है मुझे ये, मगर एक बार हाँ मुझे रीवेरिफिकेशन करना था जरा सा। हाँ तो जो तो है, अभी हाँ फोन पे या फिर मतलब घर नहीं पे नहीं अभी या? अभी जो है मैं थोड़े से ये थोड़े बहुत जनरल ऐसे क्वेश्चंस हैं हमारे पास, तो जो है हाँ वो पूछूंगा मैं आपसे। अगर आप उसका सही उत्तर देती हैं तो बस आपका यहीं पे कंफर्म हो जाएगा फिर। अच्छा, ठीक हाँ है, ठीक है। तो आप तैयार है ना फिर क्वेश्चन वेश्चन के लिए? हाँ पूछिए। चलिए, तो फिर ये बताइए अरे क्या। शर्मा जी, हाँ सुनते कहाँ अच्छा, हैं? एक मिनट अरे जरा, एक मिनट रुकिए, जरा कोई बात करनी है। हाँ हाँ, अरे सुनिए शर्मा जी, हाँ बोलो। उस लड़के ने 20,000 दिया था, कल जल्दी बनाना अरे पासपोर्ट। हाँ, देख लूंगा देख लूंगा देख लूंगा वो। हाँ हेलो, हाँ बोलिए। एक और बंदा जो है वो अभी यहाँ पे लाइन पे है। तो जो है हाँ आपका और इनका दोनों का एक साथ टेस्ट लिया जाएगा, सेम अच्छा, ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोनों से। तो जो सही आंसर देगा उसका ये पहले हो जाएगा, थोड़ा सा ये है बस यहाँ पे। अच्छा, ठीक तो है, क्वेश्चन मतलब किस टाइप के हैं? ऐसे ही जनरल रैंडम क्वेश्चंस हैं, कोई ज्यादा घबराने की बात नहीं है, अच्छा, ऐसे ही ठीक बिल्कुल है। आसान से हैं। आप सोचिएगा तो आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आप ये ठीक बताइए फिर कि जो, हाँ बेटा चिंटू तैयार हो ना तुम भी? चलो चलो फिर ठीक है। तो अब ये बताइए आप कि ये जो है यूएस जो है, यहाँ से यूएस इंडिया कानपुर से कैलिफोर्निया का डिस्टेंस कितना है? अच्छा, एक मिनट, जल्दी बताइए, कानपुर टाइम से नहीं कैसे? है, जल्दी तुरंत आंसर चाहिए। अरे तो हेलो, हाँ, जल्दी बताइए, इतना टाइम थोड़ी है, अब हमें और भी काम करने होते हैं। लो चिंटू ने अच्छा, दे दिया आंसर। अराउंड 8,000 मीटर मील 8,000 लीटर, क्या बोल रहे हैं आप ये? मील अरे नहीं, गलत जवाब है आपका। चलिए अब अभी आप रुकिए, चिंटू से जरा सवाल पूछा जाएगा, ये बताएंगे अब। तो चिंटू बेटा ये बताइए आप, चिंटू ऑन है आप लाइन पे? हाँ यस सर, थैंक यू। हाँ, तो बेटा ये बताओ कि ये जो यूएस है, यूनाइटेड स्टेट्स हमारा, यस सर। ये ईस्ट में है कि वेस्ट में है इंडिया से? सर यूनाइटेड वे, स्टेट्स वेस्ट वे, में है वे, सर। हाँ वेस्ट में है। ये दिया सही जवाब, ऐसे ही बेटा जल्दी जल्दी देते रहना। अब आप पहला क्वेश्चन तो आपने गलत बता दिया, कोई बात नहीं, चलिए अब अगला एक और आपने क्वेश्चन पूछूंगा। कैलिफोर्निया की डिस्टेंस पूछी थी। अच्छा हाँ ठीक है, और ठीक है, ठीक अब है, आप मुझसे आगे बहस बताइए। मत कीजिए, मैं बोल रहा हूँ सीधे सीधे, आप तो बस मानिए, हाँ ये तरीका नहीं हाँ होगा हाँ कि हाँ फिर आप ठीक है, मुझसे बोलेंगे। ठीक हाँ है, तो अब ठीक अगला अगला बताइए है। आप फिर जो है कि ये यूक्रेन पता है ना आपको? यूक्रेन, हाँ हाँ, तो ये बताइए कि यूक्रेन की पॉपुलेशन कितनी है? यूक्रेन की पॉपुलेशन 45.59 मिलियन। 45.59 मिलियन। जी गलत है ये, कहाँ से आपको पता चल रहा है सर? आप कहाँ से बता रही हैं? एक भी सवाल आप नहीं, सही जवाब नहीं दे ऐसे रही हैं। क्या पहले का आपने डिस्टेंस बताया लीटर में, अब ये आप बता रही हैं गलत, ये भी गलत बता लीटर रही नहीं हैं। बोला, मैंने मील बोला था, मील। चलिए अच्छा रुकिए, अभी अब इनसे पूछना है। चिंटू ये बताओ कि जो ये यूक्रेन है, यूक्रेन यूक्रेन जो है इसका ये स्पेलिंग किससे शुरू होता है? सर यू से यू। ये सही जवाब, चलो चिंटू सही कर रहे हो। तुम्हें तुम्हें मुझे लग रहा तुम्हें मिलेगा पहला पासपोर्ट यहाँ से। एक मिनट, हाँ एक बोलिए, हेलो, मिनट सर, एक मिनट बस। हाँ हेलो सर। हाँ हाँ सर, आप एक मिनट रुकिए, एक मिनट। हाँ अब आप इतना टाइम लगाएंगे तो मैं फोन काट रहा हूँ फिर। चलिए छोड़िए, हाँ हो ठीक गया है, आपका अब पासवर्ड? बोलिए, आप बोलिए, अब बोलिए। हाँ हाँ हेलो, तो अब बोलिए। ये बताइए कि जो है यहाँ अब लोकसभा इलेक्शन होने वाले हैं ना इस बार, तो हाँ, कौन सी पार्टी जीतने वाली है इनमें? कौन सी पार्टी, हाँ जीतने वाली है इस बार। जीतने वाली है? कोई हाँ भी पार्टी जीत सकती है, मतलब अभी से क्या ही बताऊं मैं कोई कोई भी पार्टी जीत सकती वो। है, ऐसे कैसे, इतने पोल्स चल रहे हैं, डेली पेपर में आ रहा है। आप पेपर वेपर पढ़ती नहीं है क्या? जनरल नॉलेज आपने हाँ बिल्कुल ही नहीं, जी, मुझे लग तो रहा है। बीजेपी बीजेपी जीतेगी, ठीक है। बीजेपी जीतेगी। हाँ चलिए अच्छा, इसका जवाब चिंटू से ही पूछ लेते हैं, वो क्या कह रहे हैं। चिंटू ये जो अभी लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, सर, कौन जीतेगा इनमें?
2014 वाले हाँ मेरे हिसाब से कांग्रेस जीतेगी, कांग्रेस जीतेगी बेटा, सही जवाब, कांग्रेस ही जीतनी चाहिए। अभी राहुल गांधी हमारे युवा नेता, इतने युवा हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं वो हमारे देश के लिए, और आप ऐसे बीजेपी को जिता देंगे क्या जी? बिल्कुल, क्या आप किस तरह से बात कर रही हैं? के हिसाब से बता रही हूँ, न्यूज के हिसाब से बता रही हूँ, न्यूज में केवल 17% मिला था कांग्रेस, न्यूज आप केवल अब जो न्यूज में आएगा वो बता देंगी, खुद अपना जनरल नॉलेज, अपना सेंस है आप लोग की नहीं? जनरल नॉलेज न्यूज से है, राहुल गांधी इतना काम कर रहे हैं अभी, मुझे सारी बात समझ में आ रही है, और आपने फोन कॉल रिकॉर्ड रच किया, और ये आप समझ लीजिए आपके साथ क्या होने वाला है, आप ना अंदर हो जाएंगे, आप आप अपनी खैर में जाएंगे कि अब आपका क्या होने वाला है, ये तो आप देख लीजिएगा, ठीक है? सुनिए सुनिए सुनिए, अरे एक मिनट, मैं नहीं बोल रहा हूँ, अच्छे अच्छे प्रांग कॉल था, हेलो, मैं सुन रही हूँ सब, ठीक है? अभी 20,000 की बात हुई थी, वो भी रिकॉर्ड हो गया, उसके बाद जो आपने पूछा वो सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका, और आपको कोई नहीं बता सकता, आप ये समझ, अब आप मेरी बात सुनेंगे एक बार, अब आप मेरी बात सुनेंगे एक बार, हाँ सुनेंगे, मैं समझ में आ रहा है, और आपको आपकी बातचीत में जो भी रिकॉर्डिंग है, जो 20,000 उन्होंने उस लड़के ने दिए है, उसका पहले बंदा, ठीक है आपने सुन लिया, अब आप एक बार मेरी बात सुनेंगी, मैं कौन बोल रहा हूँ सुनेंगी? मैं IIT कानपुर से अक्षय दुबे बोल रहा हूँ, सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ मैं यहाँ पे, ये स्पेक्ट्रम इवेंट चल रहा है, उसमें प्रैंक कॉल था एक कॉलम, तो ये प्रैंक कॉल था आपके लिए, ठीक है? ओके, आप एक बार बोल दो कि आपका बकरा बन गया, ओके मैं बकरा बन गया भाई, थैंक यू।